दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन से पास हो गया है। ट्रंप पर जे बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने का आरोप था। ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 1868 में एंड्रयू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। निचले सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद अब महाभियोग का ट्रायल ऊपरी सदन यानी सीनेट में चलेगा। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। दुनिया में ब्रिटेन से महाभियोग की शुरुआत मानी जाती है। तो आइए अब अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 4 में महाभियोग का जिक्र किया गया है। देशद्रोह, रिश्वत अथवा अन्य हाई क्राइम्स और कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाए जाने पर महाभियोग की प्रक्रिया के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सिविल अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को किसी अधिकारी पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की एकमात्र शक्ति देता है। यह सीनेट को महाभियोग ट्रायल के लिए एकमात्र न्यायालय बनाता है। महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन में साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। तो आइए अब भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो आइए भारत में महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग पर प्रस्ताव लाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तब प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। इससे संबंधित नोट को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, वे महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, वे महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो आइए आज का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।